नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी, आइए जानते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। खबर संसद से है। संसद में शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप था। इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। वहीं दूसरी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने झारखंड सांसद धीरज साहू के आवास से आईटी रेड में 200 करोड़ नकद मिलने पर ट्वीट कर लिखा, देशवासियों इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। रुख करते हैं राज्य की खबरों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को विधानसभा चुनाव 2023 के बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज शुक्रवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजभवन में भेंट की। इसके साथ ही राज्यपाल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल ने झारखंड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड के सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के फुटपाथ वेंडर्स का मुद्दा उठाया। सांसद ने शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी से सवाल पूछा है कि झारखंड के सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के फुटपाथ वेंडर्स को योजना का लाभ कम क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। झारखंड के छात्रों को अब प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की है। यहां 48 घंटे के अंदर छात्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अगली खबर बिहार से। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को होने जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से विमेंस प्रीमियर लीग को बेहतर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी को ही इसका प्रमुख बनाया गया है, जबकि बीसीसीआई सचिव जय शाह को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल को भी शामिल किया गया है। वहीं एंटरटेनमेंट में आज ऋतिक रोशन की फाइटर अपनी रिलीज की ओर बढ़ रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फाइटर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण लीड रोल निभा रहे हैं। इनके साथ अनिल कपूर भी दमदार किरदार में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर में आज खबर इंग्लैंड से। प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा से परेशान ब्रिटेन ने वीजा नियमों को सख्त करने की कोशिश की है। नए नियमों के तहत ब्रिटेन जाने वाले प्रवासी अपने साथ अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ नहीं ले जा सकेंगे। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए नए नियमों को पटल पर रखा है। आज की बात में आज के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे द4thpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।